दोस्तों तो आज बिहार के खबरों से शुरुआत करने वाले हैं। श्याम रजक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पिछले ही हफ्ते उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने जो इस्तीफा का जो लेटर होता है, पत्र होता है, उनमें कविता की दो लाइन उन्होंने पेश किया है, मतलब पंक्ति डाले है। उसके बाद कोई भी बात उन्होंने जिक्र नहीं किए। लेकिन उनका जो भी दर्द कहना है बया है, जो पूरा कविता की दो लाइन की पंक्तियों में है। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए तो धोखा खा गए। वो तो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। अगर इसका अर्थ तो वही जानेंगे, लेकिन साफ तौर से कहना था लोग कि हाँ, 5 साल में उनको कहीं पर भेजा नहीं गया। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, AMLC, विधान परिषद, कहीं पर उनको भेजा नहीं गया। एक मतलब उतना बड़ा नेता को एकदम चुपचाप जाइए, पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में, समारोह में शामिल होइए, उसके बाद उनको कहीं पर भेजा गया नहीं। लेकिन एक नेता को चाहिए क्या? सत्ता, सियासत, कुर्सी, इसीलिए तो कोई राजनीति करता है। अगर राजनीति करने के दौरान अगर चीज़ नहीं है तो राजनीति क्यों करेगा? इससे अच्छा बेहतर है जो छोड़ दे। शायद इसी वजह से उन्होंने RJD के छोड़ दिया। उसके बाद कल 30 अगस्त था, उन्होंने एक अपने तमाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की है। उसमें उन्होंने लिखा है मिलन समारोह, मतलब जनता दल यूनाइटेड के साथ वह जाने वाले। उसका घोषणा 1 सितंबर 2024 को 12 बजे जो जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यालय है बृजचंद्र पटेल पथ पटना में, वहाँ श्याम रजक अपने कार्यकर्ता के साथ वो भी शामिल होंगे, जनता दल यूनाइटेड। लेकिन एक बात श्याम रजक को रहा है, वह जब भी जाते हैं तो लालू जी के साथ या नीतीश जी के साथ, अदर कोई भी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं। ये चीज़ देखने के लिए मिला है। जब कोरोना के समय में जब पाला बदले थे नीतीश कुमार के, जब उस समय उद्योग मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय सोचिए पाला बदल के वहाँ चले गए थे लालू जी के पास कि हो सके तो यहाँ फुलवाड़ी से टिकट मिल जाए, क्योंकि वह फुलवाड़िए से सुरक्षित सीट हो, वही से वह लड़ते हैं विधायक के चुनाव। उसके बाद RJD में आने के बाद 5 साल में उनको किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनाया। तो शायद इसी से नाराज हो कि अब वो जनता दल यूनाइटेड में पुनः फिर से शामिल होने जा रहे हैं। उसके बाद कल बिहार में नई DGP शपथ ग्रहण लिए हैं, आलोक राज, आप लोग तो जानते ही हैं। उसके बाद चिराग पासवान के ऊपर दैनिक भास्कर का जो छापा हुआ है 3 आरोप जो चुनाव आयोग के हल्फनामा में नहीं दिया गया है, तो इसके लिए अब लोगों सब कयास भी लगाया है कि अब जिस तरीका से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होनी थी, ठीक है, अब उसी प्रकार चुनाव आयोग इस पर कुछ कार्रवाई करे और चिराग पासवान को जो संसद बने हैं उनको कार्यभार से अलग किया जाए, अलग धलग किया जाए। अब लोगों ने तमाम सोशल मीडिया पर लिखना भी शुरू किया, और जो दैनिक भास्कर का जो छापा हुआ है उसका तमाम सोशल मीडिया पर चर्चे में कल रहा है। लेकिन उससे ठीक एक सप्ताह पहले ही चिराग पासवान में झारखंड में जाते हैं, वहाँ पर 11 सीट की मांग करते हैं, या नहीं मिले तो हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो यह चिराग पासवान का जो क्लियर स्टैंड था, उन्होंने कह दिया कि हमें 11 सीट चाहिए, अन्ना तो हम 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, जो नवम्बर दिसंबर में होने वाली है झारखंड में विधानसभा के चुनाव। देखते हैं आगे बाकी में होता है क्या, क्या चिराग पासवान को राहुल गांधी के तरह सदस्यता सदस्य सदन का खत्म होता है कि नहीं संसद का, वो भी देखना है। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग में केवल चिराग पासवान ही नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो चुनाव आयोग के हल्फनामा में बहुत चीज़ छुपाते हैं। ये तो जो जो MP MLA हो, वो चाहे उनके साथ रहने वाले लोग, वो अच्छे तरीक़ा से बताते हैं। एक लाइव में हमको, जब लाइव थे 2-3 आदमी, तो उस समय भी बोला गया है कि चुनाव में हल्फनामा में कितना सही और कितना गलत बतलाया जाता है। चर्चा हो रहा था चिराग पासवान की उम्र के लेके, तब इस पर बात छिड़ी थी कि चुनाव आयोग में कितना सच और कितना झूठ दिखा सकता है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।